नमस्कार दोस्तों, मैं अनिश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी 5:32 हो रहे हैं, आज बुधवार है और आज की इस वीडियो में मैं आपको महमूरगंज से लेकर गुदले तक नज़ारे दिखाऊंगा जो नया लंदन स्ट्रीट के तर्ज पर रोड बनाए वो दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर महमूरगंज में रिलायंस पेट्रोल पंप है, यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होती है। रिलायंस ट्रेंड, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, तो महमूरगंज में आपको 2-3 पेट्रोल पंप देखने मिलेंगे। कृष्णा कॉम्प्लेक्स, पैथ काइंड और दाहिने तरफ ये मोती झील पैलेस जिसे अजमतगढ़ पैलेस भी कहा जाता है। यहीं पर मिर्जापुर की शूटिंग हुई थी और बिच्छू का खेल करके एक वेब सीरीज था, 2 वेब सीरीज यहाँ पर शूटिंग हुई थी इनकी। अभी आ चुके हैं हम आकाशवाणी केंद्र। ये देखिए स्टंट स्टाइल वाला एकदम, यहाँ देखिए आकाशवाणी केंद्र है और वाराणसी सबसे ऊंचा टावर है ये, ये त्रिमोहनी है। यहाँ से दाहिने आप चले जाएंगे रथयात्रा, बाएँ चले जाएंगे सिग्राम। वो वाला रोड काफ़ी सकरा है, ये भी रोड सकरा है लेकिन तब भी यहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट हो जाता है। रोड चौड़ा किया गया था लेकिन ठीक से चौड़ा नहीं हो पाया रोड ये, इसलिए यहाँ पर भी जाम की समस्या बनी रहती है। अभी सुबह का समय है, 5:34 हो रहे, रोड एकदम खाली है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से गाड़ी चला सकते हैं आप। यह है मारुति सुजुकी शोरूम AGR, अभी इसका रिनोवेशन काम चल रहा है, पहले से काफ़ी सुंदर हो गया है। ये देखिए वाराणसी सबसे ऊँचा बिल्डिंग है, ये करीब 17 मंजिला है, ये बनारस से इससे ऊँचा अभी तक तो बिल्डिंग नहीं कोई बना है। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है भाई। ये उषा गुप्ता है, जगह का नाम है उषा गुप्ता जलांस, होलसेल मार्केट है ये। दोस्तों सुबह की राइड आपको पसंद आती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर लड़ाई हो गई इन लोग आपस में। अरे मैटर मत करो यार, यहाँ पर जो देख धनुका देख रहे हैं यहाँ पर भी शूटिंग हो चुकी है वेब सीरीज की। बनारस से एक से लोग से मिल जाएंगे आपको। ये सामने जो चौराहा देख रहे हैं ये है रथ यात्रा चौराहा। फिलहाल सिग्नल अभी चालू है, मतलब ये वाला सिग्नल चलता है, मतलब कि आप कहीं से आ जा सकते हैं क्योंकि सुबह अभी सिग्नल खुला नहीं है। यहाँ से दाहिने चले जाएंगे कमच्छा, बाएं चले जाएंगे कैंट। अभी हम आ चुके हैं गुरुबाग, ये देख सकते हैं यहाँ पर रोड इतना चौड़ा किया गया है, नहीं कोई यूज नहीं है इसका क्योंकि जब तक तो पूरा चौड़ा नहीं करेंगे तो रोड का यूज ही नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आपको कई सारे दुकानें मिल जाएंगी, कपड़े से ले कर जूते तक की। यह है CHS गर्ल्स स्कूल और ये जो दिख रहे हैं गुरुबाग त्रिमोहनी है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो गुरुबाग गुरुद्वारा है। वैसे दोस्तों वीडियो में छोटा करने की कोशिश करूँगा, देखिए कितनी बड़ी बनती है, और मैक्सिमम चीज़ कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी सुबह का समय है, वीडियो क्वालिटी कितनी आ रही मचा पता नहीं मुझे। वैसे वाराणसी में इस समय कर्फ्यू लगा है, नाइट कर्फ्यू, जो कि रात के 9 बजे सुबह 6 तक है। यह है लक्सा थाना, देख सकते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे सड़कें बनारस की और पतली होती चली जाएगी। यहाँ पे जो लाइटें लगाई गई है हेरिटेज पोल पे, कुछ जल रही हैं कुछ नहीं जल रही हैं। वैसे महमूरगंज से आपका क्या कहते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन यही जब जाम रहता है तो लंबा पड़ जाता है रास्ता यही वाला, क्योंकि इस रोड पे जाम काफ़ी लगता है। अभी रोड सुबह सुबह समय खाली, इसलिए अब जो चौराहा देख रहे सामने
यह है गिरजाघर चौराहा, क्योंकि यहाँ पर चर्च है गिरजाघर, इसलिए चौराहे का नाम गिरजाघर चौराहा रखा गया है। दाहिने भैलूपुर, बाएं चले जाएंगे नई सड़क, देखिए अभी पेंट वेंट हुआ ठीक ठाक लग रहा है, ये भी सीवी मार्ट, ये देख सकते हैं रोड के एक नंबर बना है, मतलब एक नंबर का रोड बना है। ऐसा अगर बनारस रोड बन जाए तो बनारस विश्व स्तरीय का हो जाएगा। ये चौराहा वाराणसी का हृदय, यहाँ पर जैसे टू व्हीलर मल्टी व्हीलर पार्किंग बन रहा है, लगभग तैयार हो चुका है। नंदी जी का मुख है काशी विश्वनाथ मंदिर तरफ, सुबह सफाई काम चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ फिनिशिंग काम चल रहा है। इसमें तीन लिफ्ट है और एक सीढ़ी है। दोस्तों ये जो रोड देख रहे हैं ये चुनार के पत्थर का बना हुआ है और काफ़ी खूबसूरत रोड बना है। पहले बीचों बीच डिवाइडर हुआ करते थे, ये देख सकते सब गुलाबी पेंट हुआ है, और यहाँ पर जो शटर दुकान का ये देखिए गुलाबी पेंट हो गया है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक तरह से पिंक कॉरिडोर का नज़ारा है हो गया ये। अब बता दूँ कि जो पेंटिंग काम है लगभग 68 लाख या 68 लाख रुपये की लागत से हो रहा है, और जो रोड बना है ये 8 करोड़ की लागत से बना है, जो कि गोदलिया से दशा समय तक पूरा बना है, जैसे तक गुलाबी रंग का पूरा एकदम घर। और जो दुकानें का जो आप नेम प्लेट देख रहे हैं वो भी एक ही रंग में किया जाएगा। ये काशी विश्वनाथ मंदिर का सिंह द्वार, खिचड़िया बाबा मंदिर यहाँ पर है, बृहस्पति भवन मंदिर। दोस्तों आने वाले समय में जब बोलार्ड्स स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर दो पहिया वाहनों का आवागमन बंद हो जाएगा। अब बता दो इसमें आरती स्थगित हो गया है, स्थगित मतलब सिर्फ नाम के लिए बस एक लोग आरती कर रहे हैं। और सामने जैसे LED स्क्रीन लगाया गया है, चलिए इस साइड का भी रास्ता दिखा दूँ आपको मैं। कुछ मिले ना मिले सुबह सुबह चाय ज़रूर मिलेगा आपको बनारस में, क्योंकि चाय बनारस की जान है जान। देखिए ये सुबह यहाँ पर सब्जी मंडी लगता है। एक सब्सक्राइबर मुझसे कहे थे कि आप यहाँ का सब्जी मार्केट दिखाइए, आ गया सुबह मार्केट दिखाने आपको। फिलहाल अभी खुला नहीं है लेकिन कुछ दुकानें खुल चुकी हैं, और यहीं पर बाएं तरफ आपको टूरिस्ट प्लाजा बनते हुए दिखने को मिलेगा। ये देखिए टूरिस्ट प्लाजा, इसके अंदर करीब 180 दुकानें बनेंगी इसके अंदर, और यात्री सुविधा केंद्र भी होगा जिसकी लागत करीब 40 करोड़ रुपए है, और ये चीन में कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे पहले मछली सट्टी हुआ करता था जो कि हट गया है। ये देखिए आतंक मचाए हुए बंदर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह वीडियो लाता रहता हूँ। सामने देख सकते हैं माँ गंगा दर्शन कर सकते हैं, अभी सूर्योदय हुआ नहीं है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर महादेव।